कुछ भी नहीं डाल के खोदना है कान को, प्लीज डोंट डिग योर ईयर्स, जस्ट एज वी से डोंट पिक योर नोज, डोंट डिग योर ईयर, डोंट यूज ईयरबड्स, डोंट यूज पेंस, डोंट यूज मैचस्टिक्स, हाउ मच एवर दी अर्जेस, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इचिंग प्लीज सी अ डॉक्टर, यू माइट जस्ट हैव एन एलर्जिक डर्मेटाइटिस, वो ऑइंटमेंट लगाएंगे और एंटीएलर्जिक खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show. And today we are going to talk about ear infection. And for that, we have Dr. Vitab ji here. So, hello sir, how are you? Very well. Sir, बहुत से लोगों को आदत होती है कि कुछ भी मिलता है तो कान में ऐसे साफ करने की उनको जल्दी रहती है एंड उसकी वजह से काफी पेन, काफी प्रॉब्लम उन्हें सहनी पड़ती है. तो आज हम ईयर इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं एंड आई वॉन्ट टू नो कि कितने टाइप्स के ईयर इन्फेक्शन होते हैं जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है एंड उनके कॉजेस क्या क्या होते हैं सर. देखिए, पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ईयर के तीन पार्ट्स होते हैं जी. एक ये जो बाहर का पार्ट जिसको हम पिन्ना बोलते हैं जी, यहाँ से लेके केनाल है, ईयर केनाल, वहाँ तक के ईयर के पार्ट को आउटर ईयर बोलते हैं जी. उसके बाद आता है आपका ईयर ड्रम, ईयर ड्रम और उसके अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं मिडिल ईयर जी, और मिडिल ईयर से आगे का हिस्सा उसको बोलते हैं हम इनर ईयर. ओके, तो हर हिस्से में अलग अलग तरह की इन्फेक्शंस होती है. ओके, जैसे आपने अभी कहा कि लोगों को आदत है कान में कुछ भी डाल के खोदना, ईयरबड्स यूज करना, टूथपिक, पेंस यूज करना, तो उससे बाहर के हिस्से में इन्फेक्शन हो जाती है जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं. ओटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर, एक्सटर्ना इज एक्सटर्नल ईयर. Okay. इसके अलावा लोगों के कान में अगर वैक्स जम जाती है तो उसके प्रेशर से भी इन्फेक्शन हो जाता है. Okay. स्विमिंग इत्यादि करने से भी इन्फेक्शन होता है. Okay. इसके बाद आते हैं हम मिडिल ईयर में जी. अब मिडिल ईयर में अगर आपको खांसी जुकाम है या आपको एलर्जीज हैं तो आपको मिडिल ईयर इन्फेक्शन होती हैं. Okay. और इसी तरह से इनर ईयर इन्फेक्शन होती हैं, वो भी जनरली वायरसेस के द्वारा होती है. आपको कोई कोल्ड वगैरह होता है तो उससे आपको इनर ईयर की इन्फेक्शन हो सकती है. ओके सर, मैंने देखा है कि जैसे आपने बताया कि ईयरबड हो गया, कुछ लोगों में आदत होती है कि नेल्स से भी गिरने लग जाते हैं, तो क्या ये सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है. आपकी जो ईयर की स्किन है बाहर की, ईयर कैनाल की, वो प्याज के छिलके जितनी पतली है. ओके, तो उसमें जरा सा भी एब्रेशन होता है, वो छिल जाती है, तो जो बैक्टीरिया वहाँ रिजाइड कर रहे हैं जी, और चारों तरफ बैक्टीरिया और वायरस है, वो स्किन को इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, स्किन के अंदर चले जाते हैं. Okay. और वहां से वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं. Okay. आपको कभी भी कान में इचिंग हो, अगर बहुत मन कर ही रहा है इचिंग करने का, तो केवल बाहर के हिस्से को ऐसे करके इच करें, अंदर कुछ भी डालने की कोशिश ना करें. ओके एंड सर, काफी बार ना समझ नहीं पाते लोग कि ये जो सिम्टम है वो ईयर इन्फेक्शन का ही है या फिर कुछ और तो नहीं हो गया. सो आई वॉन्टेड टू नो कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ईयर इन्फेक्शन. See, the most common symptom of ear infection is ear pain. Okay, this followed by a blockage in the ear and hearing loss. Rarely when you have inner ear infections, then you can have vertigo or chakkar jisko hum bolte hain. So these are generally the common symptoms which a patient will come with if he has ear infection. And sir, काफी बार ऐसा भी होता है कि ये इन्फेक्शन होता है उसके वजह से सर में भी दर्द होने लग जाता है. सो इट्स वेरी नॉर्मल या फिर कोई ये प्रॉब्लम हो सकती है? इट्स अगर वो ईयर इन्फेक्शन है और बहुत सीवियर है, इन दैट केस ओनली आपके सर में भी दर्द होगा. स्पेसिफिकली डायबिटिक्स में अगर ऐसा हो रहा है जी, डायबिटिक्स में क्या होता है, दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और फॉर दैट मैटर एनीबॉडी यूज ऑन एंटी कैंसर ड्रग्स या कोई एचआईवी है किसी को या किसी तरह का वो ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं जिनसे इम्यूनिटी को सप्रेस किया जा रहा है, उसमें ये ईयर इन्फेक्शंस बहुत जल्दी फैलती हैं एंड दे कैन इवन इरोड द बोन्स ऑफ द स्कल एंड गो टुवर्ड्स द ब्रेन. सो इफ समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग, दैट इज एन इंडिकेटर के द डिजीज इज प्रोग्रेसिंग एंड इट्स नॉट जस्ट अ मेयर सिंपल इन्फेक्शन. एंड सर, मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, हमें ऐसा क्या क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी जिसकी वजह से ईयर इन्फेक्शन हो सकता है. देखिए, पहले जैसे आपने डिस्कस किया था कि कान में आप किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज ना डालें जिससे आप कान के स्किन को डैमेज कर सकते हैं, तो ये तो आपके आउटर ईयर के लिए रहा. दूसरा, अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है
आप उसको इग्नोर ना करें। जैसे ही सर्दी जुकाम होता है और आपको कान में जरा सी ब्लॉकेज या हल्की सी पेन लगती है, डॉक्टर को जाके दिखाएं ताकि वो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक और मेडिकेशन दे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। सर, ऐसा माना जाता है कि बच्चों में ईयर इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, सो इज इट राइट? यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। उसका रीजन है कि आई एम श्योर लॉट ऑफ यू मस्ट हैव टेकन फ्लाइट्स, और जब आप फ्लाई करते हैं तो आपको लगता है कि आपका कान जो है वो बंद हो गया है जी, एंड वो फिर थोड़ी देर बाद खुल जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस वंस यू आर व्हेन यू आर टेकिंग ऑफ एंड देन जस्ट बिफोर लैंडिंग व्हेन द पायलट सेज वी आर अबाउट टू डिसेंड इट टू whichever airport you're going to. So, उसमें क्या mechanism है कि आपके कान जो middle ear portion है उसको और नाक के पीछे के हिस्से को एक tube connect करती है जिसका नाम है eustachian tube. Okay. अब उस tube पे जब भी pressure पड़ता है तो उसका जो lumen है, जो उसका caliber है, वो compromise हो जाता है। उसकी वजह से अंदर कान में जो हवा जानी होती है वो block हो जाती है और आपका कान बंद हो जाता है। एयरक्राफ्ट में जैसे ही वो प्रेशर इक्वलाइज होता है वो कान खुल जाता है। अब यही चीज होती है जब आपको जुकाम होता है, उस ट्यूब पे इन्फ्लेमेशन होती है, उसका कैलिबर कम हो जाता है, वहां की सारी हवा जो है कान की उसमें वैक्यूम आ जाता है और कान का पर्दा अंदर खिंच जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज के बाद कान के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होता है, विच इज समथिंग जो फिजिक्स में है थोड़ा मुश्किल होगा लोगों को समझना, बट जनरली फ्लूड कम्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, तो इसलिए वहाँ फ्लूड जमा हो जाता है जिसके अंदर फिर आगे जाके वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। बच्चों में ही जो ट्यूब है उसकी लेंथ जो है इट्स शॉर्टर देन व्हाट इट इज इन एडल्ट्स। ओके, दैट इज वन रीजन। सेकेंडली, चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू वायरल इन्फेक्शंस, देन दे टेंड टू हैव एडेनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स। ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड, शॉर्टर यूस्टेशियन ट्यूब, एडेनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स, recurrent viral infections, these are the reasons why children tend to get these infections more often than adults. Sir, जैसे आपने बात की ear vacuum की, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ear vacuum, जैसे हम कभी mountains पर ऊपर जाते हैं, ज्यादा height पर जाते हैं तो भी हो जाता है, plane में भी हो जाता है, airplane में, और काफी बार ऐसा भी होता है कि normal plane पर, like अभी हम बैठे हुए हैं तो कभी कभी feel होता है कि कान में कुछ ऐसे बंद कैसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे करना पड़ता है, फिर वो खुलता है, तो ये बहुत नॉर्मल है या फिर दैट हैपेंस? वो एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है, दैट कैन हैपन टू एनीबॉडी। ओके, और लोगों को जान के हैरानी होगी कि जिन लोगों को एसिडिटी रहती है उनके भी ये जो आप बता रही ना कि जिसमें कान बंद हो गया फिर खुल गया, बंद हो गया खुल गया, उसमें ये ज्यादा होता है। वो उसका भी वही रीजन है कि वो एसिड इतना ऊपर आ जाता है कि वो आपके नाक के लेवल तक पहुंच जाता है और उस ट्यूब को फिर इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, वो बंद होती है, खुलती है। सो दैट इज समथिंग विच कैन हैपन ऑन अ रेगुलर बेसिस। इवन इन केस ऑफ स्ट्रेस यू माइट फील योर ईयर इज ब्लॉक्ड एंड यू ट्राई ऑल काइंड्स ऑफ फनी थिंग्स, बट वो खुलेगा अंदर से। एंड ये मतलब प्रॉब्लमेटिक है काफी या फिर इट्स वेरी नॉर्मल? नहीं, ये ट्रांजिएंट ब्लॉक इज एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट ओके ऐसा, बट इफ इट्स अ परसिस्टेंट, मतलब आपका कान तीन दिन से आपको लग रहा है खुला ही नहीं, then you should go and see a doctor. So you can get clinic. Okay. And sir, tinnitus, जो होता है, वो भी एक ear infection है, या फिर वो एक अलग तरीका है? Tinnitus is a symptom, just like vertigo or chakkar is. Tinnitus is not a disease. Neither is chakkar or vertigo a disease. They are symptoms of some ear pathology. You can have tinnitus if you have wax in your ear. You can have tinnitus if you have some middle ear infection. You can have tinnitus if you have some kind of inner ear pathology. So in tino mein tinnitus ho sakta hai. So if you have tinnitus, please don't ignore it for months together. Immediately go and seek medical help so that the cause is identified and you are treated. If you leave it for ages, then maybe it will persist forever. And sir, kabhi kabhi aise kaan mein wheezing wali wo voice aati hai, kafi problem logo ko hoti hai ki aisa lagta hai ki CT baj rahi hai kaan mein. That is tinnitus. Yeah. तो जो ये प्रॉब्लम है ये लाइक इट्स नॉट वेरी सीरियस, ये नो इट इज सीरियस, इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स सम डिजीज। ओके, अब कान में बाहर के, मैंने अभी आपको बताया ना कि किसी भी ईयर इन्फेक्शन में भी टिनाइटिस होता है। ओके, अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है तब भी टिनाइटिस हो सकता है आपको। ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है कि जो सुनने की और बैलेंस की नर्व है
उसके ऊपर ट्यूमर प्रेस करता है तो उसकी वजह से आपको टेनाइटिस हो सकता है. Okay. आपको हियरिंग लॉस है, टेनाइटिस है, सडन ऑनसेट का है. मतलब आप भले चंगे थे, एक दिन सुबह उठे आपको लग रहा है आपका कान बंद है, आपको टेनाइटिस हो रहा है, हल्का हल्का चक्कर आ रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स एन इनर ईयर पैथोलॉजी. सो यू शुड गो एंड मीट एन ईएनटी स्पेशलिस्ट एंड गेट दैट करेक्टेड. यू कांट जस्ट लिव ऑन इट. एंड सर मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या फिर होम रेमेडीज भी हैं या फिर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम ईयर इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं जिन चीजों से. देखिए ऐसी कोई होम रेमेडीज तो है नहीं कि आप सरसों का तेल डाल लेंगे. दोज आर एब्सोल्यूट नो नोस प्लीज. वो तेल अंदर जम जाएगा आपका कान और बंद होगा. गर्म तेल डालेंगे तो कान जल जाएगा. सो नो दादी माँ के नुस्खे के कान में कुछ भी हो रहा है तेल डाल लो. कान में हमेशा अगर कान बंद है तो ना ही उसमें वैक्स है ना ही उसमें फंगस है. सो यू हैव टू गो एंड सी अ डॉक्टर कि वो बंद हो क्यों रहा है. दूसरा जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि कान में कुछ भी नहीं डाल के खोदना है कान को. प्लीज डोंट डिग योर ईयर्स. जस्ट एज वी से डोंट पिक योर नोज, डोंट डिग योर ईयर. डोंट यूज ईयरबड, डोंट यूज पेंस, डोंट यूज मैचस्टिक्स. हाउ मच एवर दी अर्जेस, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इचिंग प्लीज सी अ डॉक्टर. यू माइट जस्ट हैव एन एलर्जिक डर्मेटाइटिस. अपॉइंटमेंट लगाएंगे और एंटीलर्जिक खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे. बट सर बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है कि कान में दर्द हो रहा है तो इंटरनेट पर सर्च किया और आ रहा है कि लहसुन में सरसों का तेल मिला के डालिए, ये डालिए, वो डालिए. तो वो बिल्कुल नहीं करना है. इट्स नॉट सेफ एट ऑल. इंटरनेट जो है ना, अगर वो डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकता तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता अभी. देखिए इंटरनेट पे जो भी चीजें आती है ना, वो लोगों की मोस्टली देयर आर देयर ओन ओपिनियंस, दे आर नॉट बैक्ड बाय साइंटिफिक फैक्ट्स. अभी क्योंकि वी आर ऑन दिस इंटरव्यू, आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन मोर थिंग. दो इट्स नॉट रिलेटेड टू द ईयर, इट इज रिलेटेड टू द थ्रोट. बहुत बार लोग कहते हैं जी ठंडा पानी पीने से और आइसक्रीम खाने से हमारा गला खराब हो जाता है. माय सिंपल क्वेश्चन टू देम इज, आइसक्रीम में होता क्या है? इट्स जस्ट मिल्क, मिल्क एंड सम शुगर, राइट? और इफ पीपल स्मोक, उन्होंने देखा होगा कि उस पर लिखा हो, इतना बड़ा वार्निंग बनी है, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर. कैन एनीवन प्रोड्यूस वन कप ऑफ आइसक्रीम और बॉटल ऑफ वाटर विच इज कि ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर विल कॉज टॉन्सिलाइटिस बट ईटिंग आइसक्रीम विल कॉज टॉन्सिलाइटिस. सो प्लीज गेट आउट ऑफ दीज मिथ्स. कान में गर्म तेल मत डालिए, कोई भी तेल मत डालिए, सब्जी में डालिए उसको. और कान में अगर कुछ भी दिक्कत है ना ही अपने पड़ोसियों से पूछिए, ना केमिस्ट के पास जाइए, क्योंकि वो सीधा सीधा एक ड्रॉप पकड़ा देगा, उसका नाम है ओटोजेसिक. इट इज सम काइंड ऑफ रामबाण, पता भी नहीं है वो. दैट इज जस्ट टू एलिविएट पेन, क्योंकि उसमें एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है. बट व्हाई इज दैट पेन अकरिंग, यू विल फॉरगेट अबाउट इट एंड देन इग्नोर इट एंड लैंड अप विद समथिंग व्हिच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो अगर ऐसा कुछ ईयर में पेन अगर फील हो रहा है तो ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर. यस, द डॉक्टर्स आर देयर टू मेक श्योर दैट दे गिव यू प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. सर एक चीज और जानना चाहूंगी कि कितना टाइम लगता है किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट होने में, उसको रिजॉल्व होने में. अगर इट्स अ माइल्ड काइंड ऑफ इन्फेक्शन, व्हेन आई से माइल्ड इट्स नॉट समथिंग दैट यू इग्नोर, इट्स नॉट अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन. 5-7 डेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, डीकंजेस्टेंट्स, पेन किलर्स डज द ट्रिक फॉर मोस्ट ईयर इन्फेक्शंस. इट्स गोइंग बियॉन्ड दैट देन यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, हियरिंग असेसमेंट्स, बट दैट इज अ थिंग फॉर अनदर. और सर ऐसा कुछ लाइक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी है ईयर इन्फेक्शन के साथ? आई हैव टू डिस्कस अ फुल टेक्स्ट बुक हियर ऑन ईयर इन्फेक्शन. देयर आर सेवरल ऑफ देम. प्लीज स्पेशली इफ यू आर अ डाय और यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और यू आर ऑन एनी एंटी कैंसर ड्रग्स, प्लीज डू नॉट इग्नोर ईयर इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली ईयर पेन. बिकॉज एज आई सेड इन द बिगिनिंग, these people tend to have diseases which progress very rapidly and can go to the brain and involve the skull base. So agar aap diabetic hain ya kisi tarah se bhi aapki immunity kam hai, ear pain ko mat ignore kariye, fatafat jaake doctor ko dikhaiye. And sir agar misconception ki baat kare, koi bhi ear infection ko lekar to aisa kuch hai? Ear infections ko lekar bahut baar logon ko lagta hai ki agar kaan se pani aa raha hai, haan ji, to it is nothing, something which is serious. Okay. You can ignore it. Okay. और कोई ऐसे drops उठा के डाल देते हैं which would have worked for somebody. Mm-hmm. Ear discharge बंद हो जाता है. But why is that ear discharge coming? Nobody wants to get to that. Mm-hmm. Till they land up with कभी सुनना बंद हो गया, चक्कर आने शुरू हो गए. जी जी. So if you have a ear discharge, again I would insist that you
see a doctor. Just put, don't put some antibiotics. There are a lot of cocktail drops that we also use them. Mm-hmm. But they are available. Everything is available over the counter. You go to a chemist shop, you tell them, kaan se paani aa raha hai. They'll give you, I won't name the drop, but it'll have biotic at the end of it. So, I mean, you put those drops, 9 out of 10 times, the discharge will settle down. But why was it occurring? Unless someone looks into the ear, they'll never find out. And there are several reasons for it, okay, why that discharge is occurring. So please don't think ki kaan se paani aa raha hai, drop dalo, khatam ho gaya. And sir, can you explain the relationship between hearing loss and ear infection? Yes, every kind of ear infection can lead to hearing loss. Okay. So the more severe and permanent ones are the middle ear infections. Now, as I have told you, if you have you could have a ruptured eardrum. You could have a disease which is called cholestotoma, which eats up the bone of the ear from the inside. Or you could have inner ear infections which cause hearing loss. If these things go untreated, they are generally progressive in nature, and a time will come that even the best of surgeries will not help you. Okay. And sir, ear hygiene important hai? Ya fir zaruri hai karna? Ya fir... There's only one thing you have to do about your ear, which is do nothing at all. Okay. Please do not do anything, don't touch them. When you have a bath, towel lo, bahar jo bhi aa rahi hai, relax, usko poncho. इसके अलावा उसमें कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं छेड़ना, तो do nothing at all. Okay. And sir, I really wanted to insist that because patients come and ask me, sir, कितनी बार हमें वैक्स क्लीन करनी चाहिए? And I said, sir, wax is a self cleansing process. भगवान ने इतनी अच्छी चीजें बनाई हुई हैं कि जो अंदर वैक्स है ना वो खुद ही माइग्रेट होकर बाहर आ जाती है. अगर आप ईयरबड्स यूज करें तो आप उसको उल्टी डायरेक्शन में पुश करें, फिर वो वहां जाके जमा हो जाती है. बट वैक्स बनेगी बिकॉज वैक्स इज नथिंग, इट्स ऑयल जनरेटेड बाय योर स्किन ग्लैंड्स इन द ईयर व्हिच एंट्रैप्स ऑल दिस डर्ट एंड डेब्री. सो वैक्स विल फॉर्म, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑयल योर स्किन इज सिक्रीटिंग. एंड इफ यू यूज ईयरबड्स, यू आर गोइंग टू पुश इट इनसाइड. सो अवॉइड टचिंग योर ईयर्स एक्सेप्ट फ्रॉम द आउटर पार्ट, यू कैन वाइप इट आफ्टर द बाथ. Okay, and sir, to conclude this interview, मैं चाहूंगी कि आप already बहुत अच्छे अच्छे advices दे चुके हैं, लेकिन अगर आप tip या फिर कोई भी suggestion देना चाहते हैं हमारे audience को, so sir, please. अभी सारा the whole interview is about suggestions here. तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कभी भी कान में कोई problem हो, self medicate ना करें, क्योंकि it's some area which is very small to look at but is very complicated. And whenever you feel कि हाँ किसी तरह का discomfort है, कोई pain है, discharge है, blockage है, सुन नहीं रहा, please go and see a doctor rather than seeing a chemist or calling up your friends. Thank you so much sir, it was a great interview and मुझे लगता है कि आज इस interview से काफी सारे जो myths हैं वो solve हुए होंगे and thank you sir. Thank you.